हेलो फ्रेंड्स, उर्वशीज किचन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ौदा की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी। तो इसको कहते हैं सेवसल, और इसके लिए हमको चाहिए रेड ग्रेवी। और ये रेड ग्रेवी बनाने के लिए मैंने दो प्याज, दो टमाटर, एक टुकड़ा अदरक का और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लेके इसका मैंने ग्रेवी रेडी किया है। और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो ये रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक रख दूंगी, तो आप देख सकते हो। तो ये रेड ग्रेवी हमको लेनी है, ऑनियन का पेस्ट, लेमन जूस, टमाटर का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, दो से तीन चम्मच मैंने बेसन का लिया है, और दो कटोरी बॉइल्ड मटर लिए हैं जिसको मैंने दो तीन घंटे भिगो के उसको बॉईल कर दिया है। नमक और सोडा डाल के हमको बॉईल कर देना है। नमक, रूटीन मसाले और तेल, पानी। तो ये मैंने मटर जो है बॉईल किए हुए हैं, इसको मैं गैस पे रख दूंगी। और जबकि हमारी ग्रेवी रेडी है, तो प्रोसेस का टाइम मोर देन हाफ से भी हमारा कम हो जाएगा। दो चम्मच हमें ग्रेवी डाल के इसमें पानी ऐड कर देना है। जब बॉईल किया है उस टाइम का पानी तो है ही, लेकिन फिर भी इसको दो ग्लास के करीब हम पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये दो चम्मच जो हमने बेसन लिया था इसको हम पानी डाल के इस तरह से लिक्विड बना देंगे, पेस्ट बनाना है इसका। और ज्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही रखना है इसको। अच्छी तरह से पेस्ट में कन्वर्ट कर देने के बाद हमें इसको ये मटर जो है उबालने के लिए रखे हुए हैं इसमें हमें धीरे धीरे ऐड करते जाना है। और इसको हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। ये हम जो बेसन का पेस्ट है वो इसलिए डालते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम रहेगी, और इसको उबालने के लिए रख देंगे। अब हम तरी रेडी कर देंगे, और तरी रेडी करने के लिए मैं इसमें दो चम्मच तेल डालूंगी। तेल गर्म होते ही हमें इसमें ये अदरक का पेस्ट आधा चम्मच और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम एक चम्मच ये ऑनियन का पेस्ट डालेंगे, एक चम्मच टमाटर का पेस्ट, और अब हम इसमें लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, थोड़ा सा नमक 1/4 टी स्पून, और इसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इसमें थोड़ा ये लाल मिर्च है वो हाफ टी स्पून के बदले हाफ एक टी स्पून डाल दीजिएगा, क्योंकि इसका कलर होना चाहिए तभी ये तरीके जैसा लगेगा। और इसके बाद हमें डालना है थोड़ा सा पानी। तो ये देखिए, अब ये तरी रेडी हो गई है। तो ये देखिए, ये उसल मैंने बाउल में ले लिया है। अब हम इसको सर्व कर देंगे। सबसे पहले हम ये सेव डाल देंगे। सेव इस तरह से एक्स्ट्रा भी हमको प्लेट में रखनी है, और बाद में डालेंगे हम इसमें प्याज, बारीक कटे हुए प्याज, और इसके ऊपर हम सजाएंगे ये तरी डाल के, और ये लेमन जूस डालेंगे हम। लेमन जूस डालने के बाद
हरे धनिया से गार्निश करेंगे और इस तरह से हमें ये लेमन जो है, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और सेव जो है वो एक्स्ट्रा भी सर्विंग के लिए रखनी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी प्लेट रेडी हो गई है, आपको बहुत ही पसंद आएगी, ट्राई जरूर करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।